हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंस की आंसर सीट या मेंस की आपकी जो आंसर कॉपी मिलती है वो कैसी दिखती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मेंस एग्जाम होता क्या है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, आपकी जो CGPSC की परीक्षा होती है या आपकी तीन चरणों में होती है, ठीक है। इसमें पहला चरण होता है हमारा प्री का, जिसमें हमारे दो पेपर होते हैं, और जो हमारा सेकंड पेपर होता है, दूसरे चरण का पेपर होता है, वो होता है मेंस का पेपर, जिसमें हमें 7 परीक्षाएं 7 पेपर हमें देने होते हैं, ठीक है। अगर इन 7 पेपर की हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपके 7 भाग होते हैं। जो आपका पहला पेपर होता है वो होता है लैंग्वेज या फिर भाषा का, सेकेंड पेपर आपका होता है निबंध का, और इसके बाद के सभी पेपर जो आपके होते हैं पेपर 3 से पेपर 7 तक, इन्हें हम बोलते हैं GS के पेपर या सामान्य अध्ययन के पेपर। तो ये सभी आपके जो पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन 1 से लेकर 5 तक, जो आपके पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक के पेपर होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो पेपर आता है वो 3 पार्ट में आता है, ठीक है। हम आज इन्हीं GS के पेपर के बारे में बात करेंगे, इनको देखेंगे और समझेंगे कि इनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी हमें स्पेस मिलती है और कैसे हमें आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो अगर हम एक इनमें मार्क्स की बात करें तो जो हमारा भाग एक होता है, ठीक है, जो सभी पेपर आपको मिलेंगे वो 3 भाग में आपके बटे हुए होते हैं। तो जो पहला भाग होता है, पहला भाग आपका ये होता है 75 मार्क्स का, फिर दूसरा भाग आपका होता है 50 मार्क्स का, और फिर से तीसरा मार्क्स आपका होता है 75 मार्क्स का। तो एक चीज अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा GS वाला पेपर होता है ये आपका 3 पार्ट में बटा होता है, ठीक। पहला ये वाला पार्ट और जो आपका तीसरा पार्ट होता है, ये जो आपका पहला और तीसरा पार्ट होता है ये आपका एक समान आता है, और सेकेंड वाला पार्ट आपका कम मार्क्स का होता है, ये थोड़ा सा अलग आता है, ठीक। आगे बात करने से पहले सबसे पहले आप देख सकते हो आपका ये बाकी के आपके पेपर हैं, और आपके पेपर में अलग अलग पार्ट में क्या सब्जेक्ट है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारी आंसर सीट पे, हमारी आंसर कॉपी पे। तो एक चीज सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम और अपने कॉलेज के एग्जाम में आप लोग जो परीक्षाएं देते थे, जो आपको आंसर सीट मिलती थी, उसमें आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता था, ठीक है। लेकिन आपका जो CGPSC मेंस का पेपर होता है, इस पेपर में आपको लिमिटेड स्पेस मिलता है। फिर एक चीज और हम यहां पर देख लेते हैं कि आपको जो आंसर सीट मिलेगी वो ब्लैंक आपको नहीं मिलेगी, वो इस लाइन के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ऐसे आपको लाइंस बनी हुई मिलेंगी। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हम अपने नोट्स बनाएं या फिर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, तो कभी भी हमें ब्लैंक पेज में प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको अभी से ही आदत डालनी होगी कि आप ऐसे लाइंस में लिखें। आप नोट्स भी बनाएं तो आप लाइन वाली कॉपी लेकर नोट्स बनाएं, और अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो ब्लैंक पेज में नहीं करना है। इस प्रकार के ही आपको पेपर में आंसर राइटिंग करनी है। आपको वीडियो के साथ साथ हम एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप जाकर इस पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो मेंस का आपको पैटर्न क्या होता है, मेंस की जो कॉपी मिलती है उसमें पैटर्न क्या होता है। तो हमें कौन कौन से मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं अगर हम देखें तो, हमें यहां पर 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 8 मार्क्स 10 मार्क्स और 15 मार्क्स तक के यहां पर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, और इन्हीं अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, अलग अलग अंकों के प्रश्नों के लिए हमें जो स्पेस मिलता है वो एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, और सभी के लिए हमें अलग अलग स्पेस मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, ठीक है, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें मिलती है 4 लाइनें, ठीक। अगर आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4, ये 4 लाइनें आपको मिलती हैं, ठीक है। इन 4 लाइंस में ही आपको अपना आंसर कंप्लीट करना पड़ता है। एक चीज इसमें हमें और ध्यान देनी है कि आप कभी भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको यहां 5वीं लाइन ऐड नहीं करनी है, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर, तो आपका 1 2 3 4 लाइन ऐसे। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, इसी प्रकार से आपको 4 लाइनों में अपना आंसर लेकर आना है। आप कभी भी 5वीं लाइन लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो आंसर, आपका जो आंसर होगा वो कभी भी इधर से इधर आगे नहीं आना चाहिए, या इस तरफ नहीं आना चाहिए, या आप नीचे
नीचे या इधर नहीं लिखेंगे। लेकिन कभी अगर ऐसी आपके पास स्थिति आती है, आप कुछ गलत लिख देते हो, आपको उसे सुधार करना है, ठीक है, वैसे इतना टाइम होता नहीं है कि आप वापस आकर किसी चीज को सुधार कर सको, लेकिन अगर आपको लिखते ही समय कुछ पता चल गया कि यहाँ पे आपसे गलती हो गई है, तब अगर आप चाहो तो आप ये नीचे और ऊपर की स्पेस का यूज कर सकते हो। लेकिन कोशिश यही करनी है हमें कि हम कभी ऐसी स्थिति ना आए जहां पर हमसे गलती हो और ऊपर हमें नीचे लिखना पड़े। लेकिन अगर वैसी कंडीशन आती है तब आप यहां ऊपर और नीचे की थोड़ी सी जगह का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, हमें 4 लाइन मिलती है और इसमें हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है कि हम इन 4 लाइनों का ही यूज करें और लिमिटेड स्पेस में ही यहां पर लिखें, ठीक है। तो ये हो गई 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात। आगे हम देखते हैं हमारा आगे का पेपर कैसा होता है। तो 2 मार्क्स के अभी हमको यहाँ पर क्वेश्चन कितने होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चंस, ठीक है। जो शुरू के हमारे 8 क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए हमें यहाँ पर 4 लाइन्स दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 मार्क्स के बाद हमारा था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके हमें कितना शब्द लिखना होता है, 60 शब्द लिखने होते हैं। और इन 60 शब्दों को लिखने के लिए, इन 60 शब्द में हम जो अपना उत्तर लिखेंगे उसके लिए हमें CGPSC 8 लाइन यहां पर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। गिन लेते हैं, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 8 लाइन यहां पर आपको दिख रही है, तो इन 8 लाइन में ही हमें अपना आंसर फ्रेम करना होता है, ठीक। अगर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो आप उनमें 4 लाइन का यूज लिखने के लिए करते हैं। और इसके बड़े जब क्वेश्चन हम आगे जब आते हैं तो यहाँ पर हम एक कोशिश करते हैं कि हम कोई पाई चार्ट, मैप या बाकी चीजों का यूज करें। तो वो हमें ये वाला जो आपका पार्ट होता है, इस पार्ट में आप बॉक्स बनाकर मैप या पाई चार्ट अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे बॉक्स बनाकर इस स्पेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है हमें कि ये हमारा इससे बाहर ना जाए, ये जो लाइन दिख रही है हम आपको, इससे बाहर हमारा आंसर नहीं जाना चाहिए। सेम हमारा इस साइड के लिए भी होता है कि इसके बाहर हमारा आंसर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मैप पाई चार्ट का यूज करना है तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए यहां पर एक लाइन खींचकर, और इधर आप अपने मैप या पाई चार्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये 60 शब्द के लिए, 60 शब्द वाले हमारे अगर हम पार्ट 1 की बात अभी कर रहे हैं तो पार्ट 1 में 60 शब्द के हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये एक क्वेश्चन था। अच्छा, देखिए आगे हम देखेंगे आगे के हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे अभी करना चाहता हूं कि आप लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो इसका सिलेबस काफी बड़ा होता है और बहुत सी आपको इसमें चीजें मिलेंगी, बहुत सा मटेरियल मिलेगा, बहुत सी आपको मार्केट में अलग अलग टेस्ट सीरीजेस मिलेंगी, अलग अलग मटेरियल मिलेगा, करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें आपको इसमें करनी पड़ती हैं। तो इस परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है गाइडेंस, ठीक। आपके पास एक गाइड करने वाला हो जो आपको ये बता सके कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है CGPSC के एग्जाम में कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें हमें नहीं करनी है, नहीं पढ़नी है। तो उसी के लिए मेंटरशिप का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मेंटर्स ज्ञान आपके लिए एक 6 मंथ प्रोग्राम लेकर आया है, ठीक है। ये 6 मंथ का जो आपका प्रोग्राम होगा इसमें आपके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप, आपको दैनिक रोज के रोज हमारा आपका एक मेंटर है, हमारा एक जो मेंटर है वो आपको डेली यहां पर गाइडेंस करने का काम करेगा। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा के विशेषज्ञता मॉड्यूल, तो इसके अंदर आपको मिलेगी डेली मेंस की आंसर लिखने की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप डेली मेंस का आंसर लिख सको उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको आंसर लिखने का डेली आपको मौका मिलेगा। इसके साथ ही फिर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेंटर्स ज्ञान इसके लिए क्या करता है, आपके लिए डेली करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, हमारे ग्रुप्स पर आपको पर्सनली भी डेली करंट अफेयर दिया जाएगा।
तो इसके बाद अगर हम बात करें व्यक्तिगत टेस्ट विश्लेषण, आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, उसका यहां पर हम एनालिसिस आपको करके बताएंगे कि आप कैसे अपने टेस्ट को इंप्रूव कर सकें। इसके बाद दैनिक प्रेरणा, देखिए कोई भी आप काम करें, केवल वो एग्जाम की ही बात नहीं है, इसके अलावा भी आप कुछ करें, तो प्रेरणा इसका होना बहुत जरूरी होता है, तो आपको डेली मोटिवेशन यहां पर मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर। फिर व्यक्तित्व विकास मास्टर क्लास, देखिए ये क्या चीज है, इस पे आपका केवल हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी यहां की जाएगी, क्योंकि एट लास्ट हमारा जो तीसरा चरण होता है परीक्षा का वो होता है इंटरव्यू, वहां पर आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, व्यक्तित्व विकास का काम है, वो भी आपका इस प्रोग्राम में कराया जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें एक चीज, मास्टर माइंड मीटअप, तो हर वीक हमारे प्रोग्राम में एक ना एक जो सीजीपीएससी टॉपर्स हैं उनसे आपका मीटअप कराया जाएगा, ताकि आप उन मास्टर माइंड से वो चीजें सीख सके जो एक टॉपर में होनी चाहिए। तो हर वीक आपको एक मास्टर माइंड मीटअप टॉपर्स के साथ एक मीटअप आपके लिए अरेंज किया जाएगा। इसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और 8 बुक्स का सेट, ठीक है, 8 बुक्स जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट है सीजीपीएससी उससे रिलेटेड, सीजीपीएससी में जो 8 सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 8 बुक्स आपको यहां पर, 8 बुक्स का आपको सेट पीडीएफ भी इस प्रोग्राम के अंदर दिया जाएगा। और इतनी सारी चीजें आपको एक बहुत ही लिमिटेड प्राइस पर आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्फो ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मैंने आपसे बात कही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइडेंस, तो गाइडेंस का होना आपके लिए जरूरी है, और वो गाइडेंस आपको एक बड़े भाई, एक आपके मेंटोर के रूप में हम वो गाइडेंस आपको इस प्रोग्राम के अंदर दिलाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम में आप जुड़ने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम कहां क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अपने मेंस के एग्जाम के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लिए थे। इसके बाद अगर हम एक थर्ड लेवल पे जाते हैं तो हमें मिलता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो, उसके लिए हमें 100 शब्द में हमारा आंसर लिखना होता है, ठीक है। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हमें 100 वर्ड में अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। तो जो 100 वर्ड वाला हमारा क्वेश्चन होता है, इसमें हमें टोटल 15 के आसपास आपको लाइन्स मिलती है। एक बार देख लेते हैं कितनी लाइंस होती हैं, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए हमें कितनी लाइन मिल रही है, 15 लाइंस मिल रही हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा हमारे आंसर को फ्रेम करने पर ध्यान दें, क्योंकि यहां पर आपको स्पेस ज्यादा मिल रहा है, ठीक। अगर स्पेस ज्यादा मिल रहा है तो केवल इसमें हमें अपने आंसर्स को लिखना ही नहीं है, प्रेजेंट भी करना है। जो चेक करने वाला होता है वो इन क्वेश्चंस में ही हमसे डिमांड करता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को यहां पर शो करें। तो इसमें आप क्या काम कर सकते हो, आपकी जो, अगर आपको ऐसी स्थिति मिलती है जिसमें कुछ लाइंस इस पेज में है, कुछ लाइन आगे के पेज में है, ठीक है, ऐसा आपको पेपर आपका मिलेगा, तो यहां पर आप अपना इंट्रो लिख सकते हो 4 लाइन में, जो आपका आंसर का एक अच्छा इंट्रो। फिर इसके आगे के यहां का स्पेस आप यूज कर सकते हो कोई फ्लो चार्ट, पाई चार्ट या मैप बनाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार अगर आप इसको शो करते हो, कोई अगर आप पाई चार्ट बना लेते हो यहां पर, ठीक है, आप अगर कुछ ग्राफ के रूप में अगर ऐसा कुछ दिखा सकते हो तो वो आप यहां पर यूज करोगे, और इधर आपकी जो थ्योरी वाला पार्ट होगा उसको आप यहां पर ऐसे बॉक्स के फॉर्म में, सब हेडिंग के रूप में यहां पर लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हम 8 मार्क्स वाले अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं, यहां पर हमें 15 लाइन मिली होती हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक, कि हमारा जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसके बाद हमें एक बड़ा क्वेश्चन हमारा मिलता है, ठीक है। ये है हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। 8 मार्क्स के टोटल हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 में, और इसके बाद हमें मिलता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। अभी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, इसमें हमने 2 मार्क्स के देखे 8 क्वेश्चन आते हैं, फिर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने देखा वो 5 क्वेश्चन थे, और 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, ठीक, 16 क्वेश्चन हुए। अब जो 17वां क्वेश्चन होता है, ये होता है आपका 15 मार्क्स का और 175 शब्द का। तो
इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके ये सीजीपीएससी का जो आप देखेंगे जीएस वाले पेपर होते हैं उसमें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और इसकी वर्ड लिमिट होती है 175। तो इससे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम अपना नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो नोट्स बनाते हैं तो आप एक ध्यान रखिए कि आपके पास है मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है यहां पर 175 शब्द की। तो हम अपने नोट्स में किसी भी टॉपिक को जब लिखें तो हमें कोशिश करनी है कि उस टॉपिक को हम 175 से अधिक शब्दों में ना लिखें, ठीक है। तो 200 शब्द के अंदर ही हमें क्वेश्चन, अब जो भी हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो 200 शब्द के अंदर ही रखें, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 175 शब्द का है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बता रहा है कि ये काम आपको नहीं करना है। तो ऐसी ही चीजें हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है, कि क्या हमें नहीं करना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाएंगे किसी टॉपिक के बारे में, 4 या 5 पेज से ज्यादा भी लिखने लगते हैं, वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो ये डिमांड ही नहीं करता कि हम इतने बड़े बड़े वहां पर पार्ट को लिखें। हमें केवल 175 शब्द के तक ही हमें लिखना होता है, तो हम नोट्स भी अपना जो बनाएंगे वहां पर भी हम यही काम को करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें आप अरेंजमेंट की बात करें तो आपका ये बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसमें पाई चार्ट का यूज करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको जो भी मिलता है उसमें आपको कुछ ना कुछ मैप, पाई चार्ट या जो ग्राफ बना सकते हो आपको इसमें बनाना ही होता है, क्योंकि इसमें आपको स्पेस ज्यादा होता है और टाइम हमेशा आपके पास कम होगा एग्जाम में, आप ध्यान रखो। तो जो अगर आप ऐसे लाइन खींचकर इतनी लाइन को, या इससे अगर थोड़ा ज्यादा ही हम लाइन को देख लें, इतना अगर आप स्पेस को पाई चार्ट से या मैप से भर सकते हो तो आपको ये काम करना है, क्योंकि इसमें आपको 25 से 28 लाइन के बीच में अगर इसमें मिलती है आपको लाइन, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। यह हमारा पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा ऐसा ही सेम आपको मिलेगा पार्ट 3 के लिए, ठीक। एक हर पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 ऐसा ही आपको मिलेगा। पार्ट 2 में आपके क्वेश्चंस के नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि पार्ट 2 आपका होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे ये है हमारे 75 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा, ठीक, पार्ट 2 जो हमारा होता है, पार्ट 2 में हम आ जाते हैं, ठीक। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब पार्ट 2 में आते हैं, तो पार्ट 2 हमारा होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। और जो इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 12, ठीक, टोटल आपके 12 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, ठीक। इसमें भी आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिनके लिए 4 लाइन मिलेगी आपको, इसमें आपको 30 शब्द में अपना उत्तर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको 60 शब्द वाला क्वेश्चन मिलेगा, 60 शब्द वाले क्वेश्चन के बाद आपके इसमें 8 शब्द वाले क्वेश्चन आएंगे जो होंगे 100 शब्द के, इसमें आपको 2 मिलेंगे 8 शब्द वाले क्वेश्चन। और आगे हम देखें तो इसमें एक हमें मिलता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। पार्ट 1 और पार्ट 3 में हमें जो बड़ा क्वेश्चन मिल रहा था वो मिल रहा था 15 मार्क्स का, ठीक है, उसमें हमें 175 शब्द में अपने उत्तर को लिखना होता था, ठीक। लेकिन पार्ट 2 में हमें मिलेगा ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें अपना आंसर कितने शब्दों में कंप्लीट करना है, 125 शब्दों में कंप्लीट करना है। एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे, जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं ना 8 मार्क्स तक वाले, वो हमें बनाना कंपलसरी होता है, वहां हमें ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन होता है, जो पार्ट 1 और पार्ट 3 में 15 नंबर वाला था और पार्ट 2 में 10 नंबर वाला है, तो इन बड़े क्वेश्चंस के लिए हमें ऑप्शन मिलता है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और यहां पर आपको एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। आपके पास यहां पर चॉइस है कि आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर को लिखो, ठीक है। 15 नंबर वाले में भी आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से को किसी एक का आंसर यहां पर लिखना होता है। 125 शब्द वाले क्वेश्चन के लिए भी आपको 20 लाइन के आसपास यहां पर मिलती है, ठीक है। ये आपका 20 लाइन के आसपास का स्पेस इसमें आपको मिलता है, इसमें भी आप पाई चार्ट या ग्राफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने पार्ट 2 की बात कर ली, और पार्ट 3 की बात करें तो ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा और इसमें आपके टोटल 17 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। जो हमने पार्ट 1 देखा वही आपका पार्ट 3
थ्री में भी सेम आपको वैसे ही 17 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2, 4, 8 और 15 मार्क्स के। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपका पेपर होता है 200 मार्क्स का। और ऐसे ही आपके 5 पेपर होंगे 200 मार्क्स के, पेपर 3 से पेपर 7 तक। और पेपर 1 और अगर 2 की हम बात करें, तो पेपर 1 और 2 की अगर हम बात करें, तो पहला पेपर होता है जो लैंग्वेज का, उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो आपको हर साल पेपर जैसा आपका सेट होगा उस प्रकार से मिलेगा। और ऐसे वाले पेपर की बात करें, तो ऐसे वाला पेपर का थोड़ा पैटर्न अलग मिलता है। आज के वीडियो में हम केवल जीएस के पेपर की बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे वाला पेपर भी आपको ऐसे ही दिखाया जाए, ठीक है, निबंध वाला पेपर भी आपको ऐसे ही समझाया जाए, तो आप लोग कमेंट करिए। इसके बाद आपके लिए निबंध वाले पेपर का भी वीडियो ऐसे ही बना दिया जाएगा। और अभी जो हमने देखा, ये इसका आपको पीडीएफ हम लोग उपलब्ध करा देंगे, और उसमें आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हमारी जो क्लास है यहाँ तक ही रहेगी, यहाँ तक ही हम लोग बात कर रहे हैं आज इसकी। अगले वीडियो में हो सकता है हम निबंध वाले की बात करें। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।